आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है डेली रात को 8 बजे जो कि होती है एसएससी जीडी की, जिसके अंदर कई सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि अपन कवर करते हैं उनके कॉन्सेप्ट के साथ में, ताकि अगर उससे रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में आता है तो आएगा ही आएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अपन क्वेश्चन करते हैं हमेशा आते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, क्वेश्चन भी आप सारे कवर करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूं पहले के भी वीडियोस आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा दोस्तों, दो दो वीडियो भी अगर आप करेंगे तो अभी भी टाइम है अच्छा खासा, आप पूरे कवर कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, और उम्मीद करता हूं कि आप आंसर करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। मायोपिया आंखों का दोष है जिससे डैश भी कहा जाता है, मायोपिया को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। देखिए दो डिजीज होते हैं, एक में तो दो डिजीज क्या होते हैं, दो तरीके के दोष होते हैं एक्चुअली, है ना, डिफेक्ट होते हैं हमारे आईज के, डिजीज नहीं बोलेंगे डिफेक्ट बोलेंगे इसको, जिससे एक तो दूर की आंखें कमजोर, एक पास की आंखें कमजोर। जैसे कि मेरी जो है वो दूर की आंखें कमजोर है, ठीक है, तो दूर की आंखें जब कमजोर होती है तो आप कौन सा लेंस काम में लेते हो, कॉनकेव लेंस काम में लेते हो, कौन सा लेंस काम में लेते हो। जैसे कि अगर मुझे दूर की आंखें कमजोर है तो मैं कॉनकेव लेंस काम में लूंगा, और मेरे इसको क्या बोलेंगे डिफेक्ट को, नियर, ठीक है, दूर की आंखें कमजोर है तो मैं इसको बोलूंगा फार, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा फार साइटनेस, ठीक है, दूर की दृष्टि दोष, तो ये आपका होगा। अभी यहां पे आपका आंसर क्या होगा, आपका बी यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नियर साइटनेस में क्या होता है, पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, यानी कि फिर यहां पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे मेरे को दूर की तो कमी है ये भाई, नियर साइटनेस के अंदर यही तो होता है कि नियर का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, ठीक है, दूर का नहीं दिखता है। इस केस में मैं क्या यूज करता हूं, कॉनकेव, ठीक है, जो ऐसा वाला लेंस होता है वो मैं यूज करता हूं, समझ गए, और इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया इसको कहते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, एक में तो क्या होता है मायोपिया में आपके जो लाइट है जो वो आगे की तरफ बनती है, और जो इमेज है वो आगे की तरफ बनती है, और हाइपर मारो, ठीक है, हाइपरोपिया की बात करें तो ये पीछे की तरफ बनती है, तो दोनों ही अपने आप में डिफेक्ट होते हैं, इसीलिए आपको एक दूर का नहीं दिखता और एक के अंदर पास का नहीं दिखता है ना। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ओके चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, पैथेरा टिग्रिस डैश का वैज्ञानिक नाम है, पैथेरा टिग्रिस के बारे में आपको बताना है। ओके पैथेरा टिग्रिस के बारे में आपको बताना है, बिल्कुल सही है, और उम्मीद करता हूं आप, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए तेंदुआ होगा इसका आंसर, ये क्या होगा, टाइगर होगा, ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल से, दोनों में से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा लेकिन आपको कई सारे इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको याद करने हैं एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए। जैसे कि जो पी होता है उसको पिज्म सेटाविज्म कहते हैं, जो हमारा ओनियन जो अपना प्याज होती है सैपा कहते हैं उसको, जो हमारा मैंगो, ठीक है, आम होता है उसको मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं, जो अपने गेहूं है उसको टेटिकम कहते हैं, ठीक है, जो बैनियन बरगद का पेड़ है उसको फिकस कहते हैं, सोयाबीन को अपन मैक्स कहते हैं, वैसे कई सारे एनिमल भी है, जैसे मेंढक है उसको राणा कहेंगे, जो बिल्ली है उसको फेलिस कहेंगे, डॉग को कैनिस, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही होता है, ये ऐसा मत समझना कि इसकी अगर हिंदी कर लोगे तो कुछ और हो जाएगा, पीसम सेटाविज्म हिंदी में भी है ये, इंग्लिश में भी है ये, समझिए, कुत्ते को कैनिस कहते हैं, हॉर्स फ्लॉग मुस्का, और कोबरा जो होता है उसको नाजा नाजा, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ठीक है पैंथेरा टिग्रिस किसको बोलते हैं, टाइगर को कहते हैं, टाइगर का नाम है साइंटिफिक नेम, तो बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका यहां पे, ठीक है, ग्लास कांच को डैश भी कहा जाता है, तो कांच को क्या कहते हैं ये भी आपको बताना है। कांच क्या होता है, देखिए दोस्तों कांच के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, कांच जो है ना ये अमॉर्फस सॉलिड होता है, यानी कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, अमॉर्फस का मतलब होता है असंगत ठोस के रूप में जाना जाता है। ओके तो असंगत ठोस के रूप में जाना जाता है, नियमित क्रिस्टल संरचना के बिना एक ठोस जो धातु की तरह कुछ होता है, आप इसे जमे हुए सुपर कोल्ड तरल के रूप में भी, वर्णित ग्लास भी देख सकते हैं, तो जमा हुआ सुपर कोल्ड तरल भी हम इसे कहते हैं क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है।
तो इसलिए आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, अतिशील द्रव्य है ये, सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है। द्रविड़ पद्धति, तीन तरीके की पद्धति होती है हमारे उत्तर भारत में, मध्य भारत में और दक्षिण भारत के अंदर। ये देखिए जो नागर स्टाइल है ये हमारे उत्तर भारत की है, इस तरीके से मंदिर बनाए जाते हैं, और ये हमारे मध्य भारत की है बस, और द्रविड़ जो है ये दक्षिण भारत की पद्धति है जिसमें टेम्पल बनाए जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप एंट्री का जो गेट होता है ना, इसके अंदर जो एंट्री का गेट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है। तो अगर ये देखिए साउथ वाला ये है, इसके ऊपर ये देखिए विमाना भी बनाया हुआ है, जो ऊपर का जो पार्ट है ना ये वाला, ये विमान कहते हैं इसको अपन, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ मंडप भी है, तो ये देखिए विमान भी हो गया, मंडप भी हो गया, शिखर भी हो गया। लेकिन जब मैं वास्तुशास्त्र की प्रतिनिधित्व की बात करता हूं तो यहाँ पे गोपुरम बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जो गेट जो होता है ना, एंट्री जो होती है, उसको अपन गोपुरम ही कहते हैं। तो आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो गोपुरम इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, कूड किसका लोक नृत्य है, कूड के बारे में आपको बताना है, ठीक है। कूड के बारे में आपको बताना है, काफी बच्चों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा। जो हिली रीजन होते हैं ना, जो अपने पहाड़ी एरिया होता है, वहां पे इसको परफॉर्म किया जाता है। जो लोग देवता होते हैं उनको, उनके लिए इसको किया जाता है इस डांस को, और जम्मू एंड कश्मीर का जो जम्मू का रीजन का जो एरिया है वहां पे इसको किया जाता है। यानी कि सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। काफी फेमस डांस है वहां पे कुड, ठीक है। जो लोग देवता होते हैं उनके लिए, उनको धन्यवाद कहने के लिए ये किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। नाममात्र पैसे की आपूर्ति के विकास दर में हुई वृद्धि का परिणाम डैश में होता है। तो अगर थोड़ा सा भी जो नॉमिनल मनी है वो इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत जो नॉमिनल मनी होता है, जो पैसा है उसके वृद्धि हो गई है मार्केट में, तो क्या होगा उसका इंपैक्ट, ये आपको बताना है। देखिए जितना ज्यादा मनी जो मार्केट में सर्कुलेट होता रहेगा ना, उतना ही क्या होता है, सरकार को भी फायदा होता है, आरबीआई को भी फायदा होता है, और उसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है कि लो इंटरेस्ट रेट कर देता है आरबीआई। जब हमारे माहौल बढ़िया होता है ना, हमारा माहौल बढ़िया होता है, मार्केट का मनी सप्लाई होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है, तो उस टाइम पे आरबीआई जो है वो प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को क्या कर देता है, ब्याज की दरों को कम कर देता है, ताकि लोग क्या कर सके, लोन लेके और क्या कर सके, खर्चा कर सके, अपने काम में ले सके, समझ गए। तो निचली ब्याज दर में समायोजन ब्याज दर बहुत अधिक समतोल कहानी का पालन करेगा, कुल मिला के उल्टा होगा। अगर सप्लाई बढ़ेगी मनी की तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सप्लाई मनी कम होगी। सिंपल सा लॉजिक आपको समझ लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला चलते हैं, चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को यह बीमारी होने का खतरा होता है। चमड़े की रंगाई के उद्योग में काम करने वाले को कौन सी बीमारी होती है, यह आपको बताना है, कौन सी प्रॉब्लम होती है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हेल्थ को तो देखो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कई सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है लेदर के इंडस्ट्री के अंदर साथ में, ठीक है। आपके कई सारी और भी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो मेजरली होगी ना दोस्तों, वो त्वचा के रोग होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। त्वचा के रोग होने के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यान रखेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, सैफलेराइट का एक अयस्क खनिज है, सैफलेराइट किसका एक खनिज है, यह आपको बताना है। सैफलेराइट के बारे में आपको बताना है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। पहले भी ये सवाल जो है एसएससी का जो आपके सीजीएल का पेपर है उसके अंदर ये सवाल दो तीन बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और पॉसिबिलिटी है कि आपको वापस से पूछा जाए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। जिंक जो है उसका ये अयस्क या फिर एक खनिज है, ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
जस्ता जो होता है सल्फाइड खनिज है, जस्ता यानी कि जिंक सल्फाइड मिनरल है जिसका केमिकल कंपोजिशन ZnFeS है नॉर्मली, ठीक है। और ये दुनिया के कई हिस्सों में रूपांतर अग्निमय और तलछट चट्टानों में पाया जाता है। आमतौर पर सल्फराइड कहाँ पे, जस्ता यानी कि जो जिंक है उसके अंदर पाया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा क्या है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नामित आतंकी संगठन है, कौन सा एक आतंकी संगठन है ये आपको बताना है। भारत में देखिए बहुत सारे बैंड जो है ना वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने बब्बर खालसा का नाम सुना होगा, ओके ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारी है, तम जो लिट्टे थी वो भी थी, इसके अलावा पार्टी ऑफ मॉइस्ट करके पार्टी ऑफ बब्बर खालसा हो गया, खालिस्तान कमांडो फोर्स है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन है, जो हमारे क्या है कि कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल जो है ना अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 उसके तहत इनको बैन कर रखा है हमारे देश के अंदर, होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे लश्कर ए तैयबा भी सुना होगा आपने, बिल्कुल सही है, ठीक है, लश्कर ए तैयबा भी सुना होगा आपने, तो ये तो लश्कर ए तैयबा तो इसके अंदर है नहीं। यहाँ पे आपके लिए एक नाम लिखा हुआ है जैश ए मोहम्मद, इसको अपन तारीख है क्या बोलते हैं, फकवा भी कहते हैं, तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा सही करूं तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी, तारीख है फरकन, तो ये भी एक तरीके ये भी बैन है जिसको पूरी तरीके से बैन, और हिजबुल मियाजिदीन हो गया, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पीपल लिबरेशन आर्मी, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है देश में दोस्तों, नियर बाय 40 के आसपास है, 39 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे होम मिनिस्ट्री ने बैन कर रखी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण। अगला सवाल है गिर फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है, काफी सिंपल सवाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जवाब आप कभी भी गलत नहीं दोगे, वाईफाई स्टडी के स्टूडेंट होगा, अगर आप ऐसे जवाब गलत दे रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, है ना। गुजरात के अंदर है, आपको पता है गिर फॉरेस्ट रन ऑफ कच्छ है और ये सारे के सारे वहीं पे ही है। अगला सवाल है वर्ष 2001 में मिसेस वर्ल्ड पुरस्कार को जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। देखिए गलती मत करना, मैंने यहां पे आपसे मिस वर्ल्ड नहीं पूछा है, मैंने मिसेस वर्ल्ड पूछा है, दोनों में बड़ा अंतर है। ये अनमैरिड के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है, और ये मैरिड के लिए है। और देश की पहली जीतने वाली कौन थी, अदिति गोवात्रिकर थी, यानी कि डी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैं बात करूं आपसे मिस वर्ल्ड की, हमारे देश की मिस वर्ल्ड की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले थी रीता फारिया, फिर बनी ऐश्वर्या राय, फिर बनी डायना हिडन, फिर बनी युक्ता मुखी, और अभी रिसेंटली मनुश्री चिल्लर भी 2017 के अंदर बनी है। ओके तो ये कुछ मिस वर्ल्ड है जो कि आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला देखते हैं, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल कौन सा होता है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों कि इस तरीके से अगर कोई चीज जमीन के नीचे की तरफ आ रही है तो यहां से भी एक फोर्स लगता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स हम जिसको कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, घर्षण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल हमेशा जब गोल घुमाई होती है उस डायरेक्शन में लगते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा और सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लगता है। इनर्शिया भी आपको पता है, जब आप बस में जा रहे होते हैं एकदम से बस वाला राइट में घुमाता है तो आप लेफ्ट की तरफ गिर रहे होते हैं अपने आप को संभालने के लिए, तो वो इनर्शिया हो गया। चलते हैं आगे की तरफ, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, ड्राफ्टिंग कमिटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी भाषा में लिखा था ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों हमारे जो मूल संविधान को है ना प्रेम बिहारी नारायण है, उन्होंने सुंदर सुलेख के साथ, ठीक है, इटैलिक शैली में इसको लिखा था, 9 दिसंबर 1946 को इसको लिखा गया और इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे पूरी तरीके से प्रारूप करने में, और शुरू में सिर्फ इसको सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में 1950 के अंदर, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसको बाकी हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी लिखा गया। तो आपका आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है बीमारू में एम किस राज्य को दर्शाता है, बीमारू किसको कहते हैं, बीमारू जो है ना वो कौन से राज्य है। देखिए दोस्तों जान के बड़ी हैरानी होगी आपको, बीमारू का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, जैसे कि एक तो हो गया सबसे पहले तो बीमारू का मतलब बिहार हो गया, फिर उसके बाद कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
फिर राजस्थान हो गया और फिर उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, राजस्थान बिहार बी आई, एम हो गया मध्य प्रदेश, एम ए मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। ये चार राज्य हैं जिनको बीमारू राज्य के तौर पे जाना जाता है और आशीष घोष ने 1980 के अंदर बताया था इनके बारे में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे बीमारियों की, इसी वजह से इसको बीमारू राज्य कहा गया था। तो आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अगला सवाल है जो कि गॉन विद द विंड किसके द्वारा लिखी गई है। गॉन विद द विंड जो किताब है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये मार्गरेट मिशेल के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस किताब है मार्गरेट मिशेल, आप देख सकते हैं उनके द्वारा गॉन विद द विंड जो किताब है ये लिखी गई है। तो दोस्तों ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर आप की तरह कई सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कवर अप करें। मानता हूँ आज छोटी दिवाली है और आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, लेकिन दोस्तों पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करेगा ताकि वो भी पढ़ सके, है ना। ओके, तो कल है दिवाली, कल रात को आप करोगे पूजा वूजा इसलिए पता है, तो कल रात के 8 बजे का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए नहीं लेके आऊँगा, परसों मैं आपके लिए 8 तारीख को मैं आपके लिए रात को जो वीडियो है वो मैं लेके आने वाला हूँ, तो कल नहीं लाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कल जो दीपावली के अंदर लक्ष्मी पूजन और इन सब के अंदर आप बिजी होंगे। ओके, लेकिन आज छोटी दिवाली और आज तो बनती है पढ़ाई यार, इसीलिए आज भी आपको मैंने ये वीडियो जो है वो प्रोवाइड किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा और इस तरीके से पढ़ते रहेगा। थैंक यू एंड गुड बाय।